हेलो वीवर्स, मैं डॉक्टर रचना होम्योपैथिक फिजिशियन। आज आपको सिस्टिक फिब्रोसिस की होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे। सिस्टिक फिब्रोसिस चिल्ड्रन डिसीज़ है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। CF कहते हैं इनको, शॉर्ट फॉर्म है। सिस्टिक फिब्रोसिस मीन्स इनहेरिटेड लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ दैट डैमेज द लंग्स एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड अदर ऑर्गन्स इन द बॉडी। सिस्टिक फिब्रोसिस अफेक्ट दैट सेल्स दैट द प्रोड्यूस मीन्स स्वेटिंग, डाइजेस्टिव जूस, डायबिटिक मलाइटिस इट्स इफ एक्सेट्रा। दीज आर सिस्टिक फिब्रोसिस। सिस्टिक फिब्रोसिस ये लॉन्ग लास्टिंग डिसीज़ है, लाइफ थ्रेटनिंग है। ये बहुत समय तक बच्चों में बने रहते हैं। ये स्पेशली चिल्ड्रन डिसीज़ है। और इस कंडीशंस में जो लंग्स हैं उनके टिश्यूज़ होते हैं वो डैमेज हो जाती हैं, साथ में जो गैस्ट्रिक सिस्टम है उसमें भी हो जाते हैं। बहुत सारे बॉडी के जो अदर सिस्टम ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स में भी टिश्यूज़ डैमेज होने लगते हैं। फिब्रोसिस मीन्स होता है सेल, जो किसी भी इंटरनल ऑर्गन्स में इनलार्जमेंट या डिक्रीमेंट करने के बाद वो सेल्स डैमेज होने लगती है। कंडीशन को सिस्टिक फिब्रोसिस बोलते हैं। कॉजेज ऑफ CF सिस्टिक फिब्रोसिस, जेनेटिक फैक्टर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिपेयर डिसीज, स्पेशली लंग्स इन्फेक्शंस, इन्फ्लामेशंस, पेनक्रियाटिक डिसीज, अदर हेल्थ सिस्टमेटिक डिसीज लाइक हेपेटाइटिस, सिरोसिस, GERD, असाइटिस। ये पूरे इन्फेक्शन, स्वेलिंग और स्वेलिंग कंडीशंस के कारण ये सिस्टिक फिब्रोसिस अपीयर हो जाती है बॉडी में। साइनिंग सिम्टम ऑफ सिस्टिक फिब्रोसिस, साल्टी टेस्टिंग स्किन, परसिस्टेंस कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, वीजिंग, पोर वेट गेन, स्पीड ऑफ एक्सेसिव एपिटाइट, ग्रेसी, ब्लूजी स्टूल, नेजल पॉलिप्स, येलो स्किन, रेडनेस फेस, पेन इन एक्सट्रीमिटीज, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, इन्फेक्शंस इन, इन्फ्लामेशन इन बॉडी, स्वेलिंग इन एनीवेयर इन बॉडी, पेन इन थ्रोट, बर्निंग इन थ्रोट, ईचिंग सेंसेशन लाइक इन थ्रोट्स, पोर ग्रोथ इन यंग चिल्ड्रंस। ये साइनिंग सिम्टम्स होते हैं इनके। सिस्टिक फिब्रोसिस की मेडिसिन डिस्क्लोज करने से पहले आपको बता दें, ये कॉमन मेडिसिन है जो इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शंस कंडीशंस को क्योर करती है। और जो डैमेज ऑर्गन्स होते हैं, डैमेज मतलब पूरी तरीके से डैमेज नहीं हो जाना, एक जो सेल्स होती हैं वो स्टार्टिंग सेल्स डैमेज होने लगती हैं, उन्हें रिपेयर हो जाती है वो बाद में। मेडिसिन होम्योपैथी मेडिसिन उसे रिपेयर करती है, कंप्लीट क्योर करती है। तो ये मेडिसिन डिस्क्लोज करने से पहले आपको बता दें, ये मेडिसिन कॉमन है जो सिम्टोलॉजी के बेस्ड है। मेडिसिन आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं, बट अगर सिस्टिक फिब्रोसिस से रिलेटेड आपको क्रॉनिक डिसऑर्डर है, बहुत टाइम से है, और साथ में अदर इन्फेक्शंस भी है, तो आपको होम्योपैथी कंसल्ट करना चाहिए जिससे आप कंप्लीट क्योर हो सकें। होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशंस, यूटिलाइजेशन, केस टेकिंग, बिहाफ पे ट्रीटमेंट होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं जिससे पेशेंट कंप्लीट क्योर होते हैं और क्विकली रिलीफ मिलने लगते हैं। अगर आप किसी कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं तो मैं यही गाइडलाइन दूंगी, आप नियर बाई MD होम्योपैथिक से कंसल्ट करें और ट्रीटमेंट लें। ये लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर है, इसको क्योर होने में कितना भी समय लग सकता है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स भी लग सकते हैं। बट इस वीडियो में जो मैं मेडिसिन बताऊँगी वो 24 वीक के लिए बताऊँगी, बट स्टार्टिंग में आप 1-2 वीक्स यूज़ कर सकते हैं। अगर रिलीफ है तो उसे कंटिन्यू करिए, नहीं तो आपको होम्योपैथी कंसल्ट करना चाहिए। मेडिसिन नेम है APIS 200 2 times a day फॉर 24 वीक के लिए यूज़ करनी है। अगर किड्स हैं, यंगर किड्स हैं, 12 ईयर्स से अबव हैं, तो 200 पोटेंसी यूज़ कर सकते हैं। और 12 ईयर से बिलो हैं, छोटे हैं, 12 साल से छोटे हैं, तो 30 पावर यूज़ कर सकते हैं फॉर 24 वीक के लिए। 4 pills मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक एंड 4 pills नाइट आफ्टर। ये एक सिंगल मेडिसिन है, इन्हें यूज़ कर सकते हैं। डाइट इंस्ट्रक्शन से पिकल्स अवॉइड करने हैं, एक्सेसिव सॉल्ट, एक्सेसिव शुगर, विटामिन सी रिलेटेड फूड्स लाइक सिट्रेट फूड्स को अवॉइड करना है। आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पुश कर लें, नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। और सिस्टिक फिब्रोसिस से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।